प्लस 2 करोड़ 30 लाख के आसपास जमीन के पेपर मिले हैं। फ्लैट इनके 3 जगह अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, यहाँ छोड़ के दिल्ली गुड़गांव में। वहाँ से निगरानी, आज बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आई, जहाँ निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी विभाग की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुजफ्फरपुर के मुसहरी ब्लॉक के BSO के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 12 लाख कैश और 1 किलो सोने के जेवर बरामद किए गए हैं। निगरानी की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। निगरानी की टीम आपूर्ति पदाधिकारी के मुजफ्फरपुर स्थित घर, सरकारी कार्यालय और शहर के एक मॉल में छापेमारी कर रही थी। शुरुआती दौर में ही छापेमारी के दौरान 12 लाख रुपए कैश बरामद किए गए, जबकि करीब 1 किलो सोने के आभूषण भी बरामद हुआ। इसके अलावा हाजीपुर में आलिशान घर, दिल्ली में 2 फ्लैट और 10 लाख के किसान विकास पत्र का भी पता चला है। फिलहाल निगरानी की टीम आरोपी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दर्ज हुआ था जिसके अनुसंधान के क्रम में इनके हाजीपुर आवास पे, ठीक है, और मुजफ्फरपुर इनके डेरा पे, जो यहाँ ये रहते हैं, दोनों जगह एक साथ सर्च चल रहा था। यहाँ के जो आवास से अभी तक 13.5 लाख कैश, 1 KG के आसपास गहने मिले हैं, जिसका वैल्यूएशन चल रहा है कि कुल कितने अभी होंगे उसमें। प्लस 2 करोड़ 30 लाख के आसपास जमीन के पेपर मिले हैं, बैंक के कागजात मिले हैं जिसमें लगता है 90 लाख के आसपास उनका अभी फिक्स डिपॉजिट के आसपास और सेविंग अकाउंट्स में पैसे हैं। फ्लैट वगैरह भी, फ्लैट इनके 3 जगह अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, यहाँ छोड़ के दिल्ली गुड़गांव नोएडा। मार्केट वगैरह भी, मार्केट, हाँ, मुजफ्फरपुर में इनका मतलब कमर्शियल में 3 दुकानें अभी तक मिली है, वहाँ भी टीम छापेमारी कर रही है मुजफ्फरपुर में। टोटल कुल कितने का संपत्ति अंदाजन होगा? नहीं, अभी वैल्यूएशन में जमीन का तो अभी तक जो भी डीड हमको मिला है 2 करोड़ 30 लाख का है। टोटल मिला के कितना लगभग हो जाएगा? 4.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा अभी तक। 4.5 करोड़ आभूषण कितना, कैश कितना मिला है? आभूषण का वैल्यूएशन चल रहा है, कैश 13.5 लाख। अभी किस पोस्ट पे है ये? ये सप्लाई प्रखंड सप्लाई पदाधिकारी है, मुजफ्फरपुर मुसहरी में पदस्थापित है। नाम क्या है? राजीव कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक। कितनी टीम है? हम लोग कुल अभी 12 लोग टीम है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।